नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेहा की पाकशाला में। रोटी एक बहुत ही कॉमन सी चीज है, हम सभी के घर में तो रोज ही बनती है। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बीट रूट यानी कि चुकंदर की रोटी की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। रोटियों के लिए सबसे पहले हमें बीट रूट यानी कि चुकंदर की प्योरी तैयार करनी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर दो मीडियम साइज के चुकंदर को बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर लिया है। आपको ध्यान ये रखना है कि चुकंदर को आप पहले ही धो लें, काटने के बाद या छीलने के बाद बिल्कुल भी नहीं धोएंगे। तो अभी ये जो चुकंदर है इसको हम मिक्सर जार में डालेंगे, साथ ही में डाल देंगे इसमें आधा कप पानी। अब इसको ग्राइंड करके इसकी प्योरी बना लेते हैं। तो ये चुकंदर यानी कि बीट रूट की प्योरी तैयार हो गई है। अब हमें आटा गूंदना है रोटियों के लिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2.5 कप गेहूँ का आटा लिया है। इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून जीरा, 2 चुटकी अजवाइन, 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। साथ ही में डालेंगे हम इसमें 2 टीस्पून घी। घी से रोटियां बहुत ही बढ़िया और सॉफ्ट सॉफ्ट बनती हैं। अब इन सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से आटे में। ये जो थोड़े से मसाले हमने डाले हैं ना आटे में, इससे रोटियां बहुत ही स्वादिष्ट बनती हैं। आप अगर न डालना चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। सारी चीजों को आटे में मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे ये चुकंदर यानी कि बीट रूट वाली प्योरी, और इस प्योरी को मिक्स कर लेंगे आटे में अच्छे से। अभी आप देख सकते हैं कि मिक्सर जार में काफी सारी प्योरी लगी हुई है, तो जार में ही हम 1/2 कप पानी डाल करके मिला लेंगे जिससे कि प्योरी वेस्ट नहीं होगी। अब इसी पानी से पहले हम आटा गूंदेंगे, और अलग से अगर पानी चाहिए होगा हमें तो हम अलग से बाद में पानी ले लेंगे। रोटियों के लिए हमें सेमी सॉफ्ट आटा गूंदना है, और अभी थोड़ा सा पानी और लगेगा आटे को गूंदने के लिए। तो थोड़ा सा पानी अलग से लेकर हम आटे को अच्छे से गूंद लेंगे। आटे को गूंदने के बाद 1 टीस्पून घी डालकर वापस से एक बार गूंद लेते हैं आटे को, जिससे कि आटा अच्छे से चिकना हो जाएगा। तो आटे को वापस से हमने अच्छे से गूंद लिया है, और देखिए सेमी सॉफ्ट आटा हमने रोटियों के लिए गूंद करके तैयार किया है। अभी इसको हम ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे कि ये सेट हो जाएगा और रोटियां बढ़िया नरम और फूली फूली बनेंगी। 20 मिनट हो चुके हैं और आटा जो है हमारा वो अच्छे से सेट हो गया है। तो आटे को वापस से एक बार हम अच्छे से गूंद लेते हैं। जितने अच्छे से आटे को गूंदेंगे रोटियां उतनी ही बढ़िया बनेंगी, क्योंकि नरम नरम और फूली फूली रोटियां बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आटे को अच्छे से गूंदना। आटा हमारा रेडी है, इसको हमने वापस से अच्छे से गूंद लिया है। तो अभी आटे को बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर मीडियम साइज की लोइयां बना लेते हैं। तो अभी एक लोई लेंगे और पहले हाथ पर उसको अच्छे से रोल करके थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे। अब लोई को सूखे आटे में लगाकर वापस से अच्छे से फ्लैट करेंगे और थोड़ा सा टैप कर लेंगे, जिससे कि जो एक्स्ट्रा आटा होगा ना वो पूरा हट जाएगा। अब हल्के हाथ से हम रोटी को बेल लेंगे। जैसे हम नॉर्मल रोटी को बेलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसको भी बेलना है। तो ये एक रोटी बेल ली है हमने, तो अभी हम इसको सेक लेते हैं। तो उसके लिए तवे को मैंने मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है। अब रोटी को तवे पर डालेंगे और एक तरफ से हल्का सा रोस्ट करेंगे, यानी कि हल्का सा सेक लेंगे। जब रोटी एक तरफ से हल्की सी सिक जाए तो उसको पलट लेंगे और दूसरी तरफ से हल्के चित्ते आने तक उसको रोस्ट करेंगे, यानी कि हल्के ब्राउन कलर के चित्ते आने तक दूसरी तरफ से रोटी को सेकना है। दूसरी तरफ से देखिए हल्के ब्राउन चित्ते आ गए हैं रोटी पर। तो तवे को गैस पर से हटाएंगे और गैस को हाई फ्लेम पे करेंगे, और जिस तरफ से हमने रोटी को हल्का सेका था ना, हल्का सा रोस्ट किया था, तो उस तरफ से अब हम रोटी को डायरेक्ट गैस पर सेकेंगे। और इस तरह से उठाते हुए सेकना है, जिससे कि जो रोटी है वो जलेगी नहीं और हर तरफ से बढ़िया से सिक जाएगी।
तो देखिए रोटी कितनी बढ़िया से फूल चुकी है। तो अभी हम इसको पलट लेते हैं और दूसरी तरफ से रोटी को हल्का हल्का उठाते हुए चारों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। तो देखिए रोटी कितनी बढ़िया से की है। इसको प्लेट में रख लेते हैं। सेम इसी तरह से आप बाकी की रोटियां भी बनाइए, सारी रोटियां नरम और फूली हुई बनेंगी। ये कुछ रोटियां मैंने सेक ली हैं और अभी मैं इन पे घी लगा दे रही हूँ। गर्मा गर्म रोटी पर घी लगा करके सर्व करें, बड़ी ही अच्छी लगती है गर्म रोटी खाने में। तो आप भी इस तरह से चुकंदर यानी कि बीटरूट रोटी बनाइए, बेहद स्वादिष्ट लगती है खाने में और हेल्दी भी है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और हम जल्द ही मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।